दोस्तों आज मैं होम्योपैथिक मेडिसिन रूटा ग्रेवियो लेंस के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं कि यह हमारे शरीर पर किस तरह से काम करता है और चोट, कांच बाहर आना या जब हम कोई छोटी छोटी चीज या ऐसी कोई बुक है जिसमें बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारी आंखों पर जोर पड़ता है, तो इस स्थिति में हम कौन सा दवा लेकर के ठीक होंगे, तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारी या मेडिसिन लेने से ठीक हो जाएगा, हम इसी पर आप सभी से बात करेंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं YouTube पर वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो आज मैं इस वीडियो में रूटा ग्रेवियो लेंस, जिसको हम शॉर्टकट में रूटा जी के नाम से भी जानते हैं, रूटा जी हड्डियों, मांसपेशियों, आंखों और गर्भाशय और मलांत्र पर बहुत ही इफेक्टिव काम करता है। यदि हमारे शरीर का कोई भी अंग कुचल जाए या हड्डी का आवरण झिल्ली जो है उस पर चोट आ जाए, उसके वजह से हमें बहुत काफी तेज दर्द होता है या सूजन आ जाए या ऐसा भी कभी होता है कि जब हम अपनी हाथे चला रहे होते हैं, जोड़ है, यदि ज्यादा किसी कारणवश काम करना पड़ा हमें, उसके वजह से अगर यहाँ जोड़ में दर्द हो जाता है, तो वैसे स्थिति में रूटा जी मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा यदि जहां चोट लगा है या काम करने से दर्द कर रहा है और वह जगह ऐसा लगे कि जैसे उसे कुचल कुचल करके मारा गया है, तो हम रूटा जी लेकर के ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा यदि जिस अंग पर चोट लगा है वह अंग वाला स्थान जलन दे रहा हो, साथ में यदि खुजली हो, तो भी रूटा मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसके साथ ही हम तो कुछ प्राइमरी लक्षण अभी आपको बताए हैं रूटा जी का, अब हम विस्तार से आपको बारी बारी से पार्ट बाय पार्ट अपने शरीर पर बताएंगे कि किस तरह से हमारे शरीर पर यह रूटा जी मेडिसिन काम करता है। तो हम ऊपर से शुरू करते हैं, पहले सर से ले लेते हैं। सिर में ऐसा दर्द होता है कि जैसे नाखूना कोई गड़ा रहा है, कभी कभी दर्द ऐसा महसूस होता है कि जैसे शराब पीने के बाद हो रहा है, सिर की हड्डियों पर घाव होना तथा इसके साथ ही बहुत काफी तेज दर्द होता है। तो इस प्रकार से यदि लक्षण सामने उभर करके आ रहा है तो ऐसे लक्षण को रूटा जी मेडिसिन बखूबी ठीक कर देता है। अब
नाक से संबंधित समझ लेते हैं, नाक से खून बहना तथा एक बार खून बह करके थोड़ी समय के लिए रुक जाता है और रुकने के बाद में फिर से नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम नकसीर फूटना भी कहते हैं, और सिर में बहुत काफी तेज दर्द होता है। जो इसका मरीज है वह इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना काफी तेज दर्द होता है। तो ऐसे दर्द को हम रूटा जी मेडिसिन लेकर के बिल्कुल ही उस रोगी को दे करके ठीक कर सकते हैं। अब हम आंखों से संबंधित कुछ लक्षण जान लेते हैं। यदि हम आंखों से बहुत अधिक काम लेते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं कि पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, कुछ ऐसे बुके होती हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है, जो हमें आंखों पे जोड़ दे के ध्यान से देखना पड़ता है, तब जाके हमें समझ में आता है कि नहीं यही चीज लिखा है। या कुछ ऐसी औरतें हैं या पुरुष हैं जो कि सिलाई का काम करता है और महीन से महीन सिलाई करने के लिए उन्हें बहुत ध्यान से बारीकी से उसे देखना होता है, तो उस समय क्या होता है कि आंखों पर बहुत ही तेज जोर और दबाव पड़ता है, और साथ ही जो ये भौवें हैं इसमें काफी तेज दर्द भी होना शुरू हो जाता है। यदि ऐसे कोई मरीज सामने आए या किसी को हो रहा है तो वह रूटा मेडिसिन लेकर के ठीक हो सकता है। अब हम लोग आमाशय से संबंधित कुछ लक्षण जान लेते हैं। हमारे आमाशय में हल्का हल्का चबाए जाने जैसा दर्द होता है तथा इसके साथ ही पाचन तंत्र में दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए रूटा जी औषधि का प्रयोग किया जाए तो वह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब हम मूत्र से संबंधित कुछ लक्षण आपको बता रहे हैं। यदि हम मूत्र त्याग करने के लिए जाते हैं, आम बोलचाल की भाषा में हम पेशाब करना भी कह सकते हैं, तो जब हम मूत्र त्याग करना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि मूत्राशय की नली में बहुत ही दबाव महसूस होता है और थोड़ा थोड़ा करके दर्द भी उसमें होता है। मूत्र त्याग करने की हमें बार बार इच्छा होती है, ऐसा लगता है कि जो हमारा मूत्राशय ब्लडर है बिल्कुल ही मूत्र से भरा हुआ है। यदि इस प्रकार से किसी व्यक्ति को हो रहा है या किसी डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो वह रूटा जी ले करके या डॉक्टर साहब दे करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो अब हम मलांत्र से संबंधित कुछ लक्षण जान लेते हैं। मलांत्र, जहां से हम शरीर से जिस रास्ते से अपने मल निष्कासन करते हैं उसे एनस भी कहा जाता है। यदि मल त्याग करने में हमें बहुत ही परेशानी होता है तथा मल कठिनाई से जो हमारा है शरीर से बाहर निकलता है, मल त्याग करते समय बहुत जोर लगाना पड़ता है या यो समझिए कि कांखना पड़ता है, बहुत लोग कांखते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि जोर लगाना पड़ता है, कब्ज की समस्या रहने के साथ ही मल में खून की मात्रा तथा कफ जैसा पदार्थ निकलता है और मल जो है फेनियल होता है, यानी उसके साथ में फेन की तरह बुजबुज की तरह साथ में मल में लिपटा हुआ बाहर आता है। मल त्याग करने के लिए बैठते समय मलांत्र में तेज फाड़ने जैसा दर्द होता है,
जो हमारा निचली आंत है वह रोग ग्रस्त वाला होता है। यदि समय से इसकी देखभाल या इलाज न कराया जाए तो यह बहुत गंभीर बीमारी का संकेत देता है। मल त्याग करते समय हर बार प्रसव के बाद मलांत्र बाहर निकल आता है। जिसको कंस्टिपेशन है, कब्जियत है, यदि बार बार जब भी मल त्याग करने जाता है तो मल त्याग के लिए बहुत काफी जोर तो लगाता है, तो कभी कभार क्या होता है कि मल त्याग करते समय जो उनका मलांत्र है, जिसे हम एनस प्रोलैप्स के नाम से भी जानते हैं, या उसे कांच निकलना भी कहते हैं, खास करके बच्चों में यह ऐसा देखा जाता है, लेकिन हम करीब 50 प्लस एज वाले को भी इसका मेडिसिन दिए हैं और अच्छा काम किया है, या वैसी महिलाएं जिसको डिलीवरी हुआ है और डिलीवरी होने के कुछ ही समय बाद या 2-4 रोज के बाद भी ऐसा लगता है, जब भी वह महिला आगे की तरफ झुकती है तो लगता है कि जो उसका मलांत्र है शरीर से बाहर निकल रहा है। तो इस स्थिति को हम रूटाजी मेडिसिन दे करके ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग श्वास संस्थान से संबंधित लक्षण जान लेते हैं। यदि रोगी को खांसी के साथ ही अधिक मात्रा में गाढ़ा और पीला बलगम बाहर निकल के आ रहा है, छाती में इतना कमजोरी महसूस होता है, जो उड़ोस्थी है उसमें इतना काफी दर्द होता है और छाती पर एंठन होने के साथ ही लगता है कि उसका दम फूल रहा है, तो इस प्रकार के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए यदि हम रूटाजी मेडिसिन का सेवन करें तो ऐसे बीमारी हमारे शरीर से जाता रहेगा। अब पीठ से संबंधित लक्षण जान लेते हैं कि हमारे पीठ पर किस प्रकार काम करता है। गर्दन की हड्डियों, जो हमारे गर्दन है, यह गर्दन की हड्डियों, पीठ और कूल्हों में दर्द बहुत काफी तेज होता है। पीठ पर दर्द होता है जो पीठ पर दबाव देने तथा पीठ के बल लेटने से बहुत कम हो जाता है। रूटाजी में यदि हमारे पीठ में बहुत जोरों की दर्द होता है, यदि कोई उस पर दबाव देता है, दबाता है, या खुद हम पीठ के बल लेट जाते हैं, तो जो हमारा दर्द है वह बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में रूटा मेडिसिन लेकर के हम ठीक हो सकते हैं। अब हम लोग शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित कुछ लक्षण के बारे में जान लेते हैं। रूटाजी में रीढ़ की हड्डी पर कुचलने जैसा दर्द होता है। कमर और कूल्हों में दर्द होता है। कूल्हे और जांघ इतने कमजोर हो जाते हैं कि कुर्सी से उठते समय जो हमारा टांगे हैं ठीक प्रकार से काम नहीं करता है। जो हमारा उंगुलिया है, पैरों का, हाथों का नहीं, पैरों का, वह बिल्कुल ही उसमें खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। कलाइयां और हाथों में दर्द और अकड़न होता है, और गिरदसी, जिसे हम साइटिका के नाम से भी जानते हैं, रोग हो जाता है, तथा रात में लेटने पर इस रोग के लक्षण में बहुत काफी तेज वृद्धि होती है। जो गिरदसी है, साइटिका है, कमर से लेकर नीचे कूल्हों व जांघ तक दर्द धीरे धीरे चला जाता है। जांघ की पेशियां छोटी महसूस होती है, जो जांघ की पेशियां छोटी महसूस होती हैं, कंडराओं में दर्द होता है, निम्न गुल्फ की दृढ़ कंडराओं में दर्द होता है। पैर जब हम पसारते हैं तो जो हमारे जांघों की मांसपेशियां हैं, लगता है कि यह सिकुड़ गई है, छोटी हो गई है, यानी कि जब हम इसको टाइट करते हैं तो यह क्या करता है, सिकुड़ना शुरू करता है, यानी कि हमसे यहाँ तक बिल्कुल दर्द होता है, यानी कि बटोर करके रखते हैं तो हमें आराम मिलता है और सीधा करते हैं तो हमें दर्द महसूस होता है। तो यदि ऐसा सिम्टम किसी पेशेंट में, किसी मरीज में निकल करके सामने आ रहा है और वो बता रहा है, तो रूटाजी मेडिसिन दे करके हम उसे
ठीक कर सकते हैं। अब बात रहा कि हम किस पावर में लेंगे। एक पेशेंट का कमेंट आया था कि आप दवा के बारे में तो बहुत अच्छे बताते हैं, लेकिन किस पावर में लेना है और कैसे लेना है नहीं बताते हैं। तो ये सब मरीज देखने के बाद निर्भर करता है कि हम इसको किस पावर में दवा देकर के ठीक कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर जो पोटेंसी है मेडिसिन का नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना तो बता दे रहा हूँ कि रूटा जी का जो पोटेंसी है 30 से लेकर 200 तक अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है और इसी से लोगों को बहुत काफी फायदा हो जाता है। तो जहां भी आप, यदि आप मेडिकल से लेकर के आते हैं रूटा जी, यदि आपको ऐसा लक्षण है तो वो भी आपको उसे पूछेंगे तो बता देगा। यदि वो नहीं बताता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर माध्यम से पूछ लेना, हम आपको इसके बारे में जरूर बता देंगे। और किसी का कोई सवाल हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर पूछना, मैं उसका जवाब देने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ठीक है, नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी टच कर दो ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो YouTube पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से फायदा हो रहा है तो लोगों के पास शेयर जरूर करें। तो ठीक है, ऐसे ही वीडियो के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।